देपालपुर के मेठवाड़ा टोल टैक्स पर हमेशा से राजनीति होती आ रही है, लेकिन कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि जनता के हित में टोल टैक्स कम नहीं करवा पाई। ऐसे में एक बार फिर सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल इस मांग को लेकर टोल टैक्स पर पहुंचे, लेकिन एक बार फिर कंपनी के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर पलड़ा झाड़ लिया। देखे खास रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजों पर अक्सर टोल टैक्स को लेकर विवाद की स्थिति रही है। देपालपुर के मेठवाड़ा टोल टैक्स पर भी कमोबेश यही माहौल है। नेताओं के अथक प्रयास के बावजूद स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में छूट नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर उनमें गुस्सा है। ऐसे में एक बार फिर इसी मांग के साथ सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक मनोज पटेल मेठवाड़ा फाटे पर पहुंचे और टोल वसूलने वाली कंपनी IVRSCL के अधिकारियों से इस बात की चर्चा की। इस दौरान पूर्व विधायक मनोज पटेल ने टोल अधिकारियों पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हाईवे के समानांतर PWD सड़क बनाएगी। एक ही गांव में एक स्थान से शोर से उस शोर जाना हो तो उसको तो नहीं लगे थे। हालांकि IVRSCL कंपनी के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर मांगों से पल्ला झाड़ लिया। तो जो एक्चुअली रूल्स है ऑलरेडी कहने चाहिए तो उसी हिसाब से चल रहे थे चला रहे। दूसरा एक्स्ट्रा या कुछ ज़्यादा हमने किसी से नहीं ले रहा, यही बताया। हमने बोला इसका जो ग्रामीण क्षेत्र का है 20 किलोमीटर का रेडियस में उसको पूरा फ्री में छोड़ने के लिए बात की है, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है सर। अभी NHAI का रूल के हिसाब से है, नेशनल है वो तो पास ले सकते हैं मैक्सिमम, हमने पास तो दे ही रहा है सब लोग। वही 20 किलोमीटर रेडियस का जो है ग्रामीण क्षेत्र का उसका सबका फ्री में छोड़ दो बिना पास से, यही थी। मैं उसको ये फास्टैग आने के बाद ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहा, बिना पास से निकले ऐसा सिस्टम ही नहीं है अभी तो। ये तो दिल्ली तक फीड जाता है, इसका जो फास्टैग सिस्टम जो आया है उसका फीडिंग जो है डायरेक्ट NHAI हेडक्वार्टर्स तक जाता है। ऐसा बिना पास बिना इसलिए तो छोड़ ही नहीं सकते किसी। ये तो जनवरी से जो फास्टैग सिस्टम है उसका चलते तो ये नहीं, थोड़ा सा दिक्कत तो है वो उसमें, बट क्षेत्रीय गवर्नमेंट लाया तो उसको तो हमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो NHAI रेट तो ये सब NHAI ने ही डिसाइड कर जैसे चला रहा है, बाकी रेट वो सब किलोमीटर के हिसाब से हर जगह। यहाँ क्या थोड़ा सा 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बाकी जगह में 50 किलोमीटर होगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वहीं कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने सांसद और पूर्व विधायक मनोज पटेल के टोल पर पहुंचने के बाद खुद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब हमने क्षेत्र की जनता के लिए टोल राशि माफ करवाई थी। आप तो आपकी भाजपा की सरकार है, आप क्षेत्र की जनता के लिए टोल माफ कर दिखाए। मैं आदरणीय इंदौर के सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी विधानसभा देपालपुर के अंदर एक टोल लगा हुआ है मेठवाड़ा, जहां आप कल गए भी थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, मैं आपको संज्ञान में बात डालना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी हम लोगों ने यह टोल आम जनता के लिए फ्री करा दिया था, वहां के लोकल व्यक्तियों के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, आप सांसद भी हैं, नेशनल हाईवे आपके अधीन भी आता है, सेंट्रल के अधीन भी आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करें ताकि लोगों को निजात पा सके मिल सके। वहाँ लोगों की जेब के ऊपर डाका डल रहा है काफी लंबे समय से, लेकिन ये सिर्फ हुआ कब, जब सरकार भाजपा की आई। ये चीज हम पूर्व में कर चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि आप निर्देश दे सकते हैं NHAI को भी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करें, मुख्यमंत्री जी भी इस पर निश्चित तौर पर डिसीजन लेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे और यहाँ के आम जनता को कहीं ना कहीं इस चीज के
निजात भी मिलेगी, यहाँ के टोल का कम से कम वहाँ के लोकल व्यक्तियों को वापस पुनः इजाजत मिल सके कि वो वहाँ आवागमन कर सके। धन्यवाद, जय हिंद। बता दें कि पूर्व में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने भी मेटवाड़ा के टोल टैक्स पर पहुंचे थे और आसपास के गांव के लोगों का टोल माफ करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देपालपुर।